गल्ला की थी या गल पै जा सर और उन्ना गल च कासन फस वजना मुड़ फस के आखना खैर मार किधर उन्ना गल च कासन मेहरबानी उन्ना गल च कासन फस वजना मुड़ फस के आखना खैर असा गल ना दसनी गैरा नु उन्ना कस के आखना खैर असा नाल रकीब ते लड़ पवना उन्ना रस के आखना खैर असा रो के आखना मर गया उन्ना हस के आखना खैर एक ताड़ी मारो जी सुन के पयो असा रो के आखना मर गए आए उन्हें हंस के आखना कह रहे और जिथे संगत सवाद नसीब न होवे मार जफर जिथे संगत सवाद नसीब न होवे उत्थे वसण दा फायदा ही कोई नहीं और जदा डाढ़िया नाल ना लड़ सकिए पाई कसण दा फायदा ही कोई नहीं ते मैनू कासिम तू मजबूर न कर डिंगी रसण दा फायदा ही कोई नहीं तू जो दुख की गल पे हस पौना है तेनू दसण दा फायदा ही कोई नहीं दाड़ी मार दियो यार तू दुख की गल पे हस पौना है तेनू दसण दा फायदा ही कोई नहीं और इंसान पूजा मैथू रब ही पूछया होया कितना एक नुकसान है तेनू हटकिया ना एडा कुफर ना कर अल्लाह मैं हां वो इंसान है और मैं ना कर सकते पर ओनू वेख ता सही क्यों कासिम गलत गुमान है जिंदे कान बुहारियां दे रखना है किसी होर दे घर मेहमान है जिंदे कान बुहारियां दे रखना है किसी होर दे घर मेहमान है और एक मैं दो तरह शेर गजल दे आके तुहानू टेस्ट करूंगा किबला दाऊद शाह साहब कि जद भी अख ते झग लगदी है सिर तो नीवी पग लगदी जद भी अख ते झग लगदी है सिर तो नीवी पग लगदी है ओए बंदा आप जे ठीक ना होवे सारी दुनिया ठग लगदी है बंदा आप जे ठीक ना होवे मां सरफराज बंदा मेहरबानी जनाब बंदा आप जे ठीक ना होवे सारी दुनिया ठग लगदी है और माचे लेटा तीली ना सही गल्ला नाल भी जाग लग दी हुण इसे दा ताड़ी बढ़ दी तो हर बार ताड़ी का खा के मेहरबानी माचिस तीली लेटर ना सही गल्ला नाल भी अग लग दी है और है नौजवान तबके नु एक गल मैं समझावना चाहना शेर च के रूह सफरां दी थकी हुई है ते नेट ते तुसीं शेर सुणियो हमणे मैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद च पढ़िया के रूह सफरां दी थकी हुई है दुखा मारी अक्की हुई है अभी 1% प्यार है सच्चा 80% यकी हुई है सुभान अल्लाह ये कांसा भी 1% प्यार है सच्चा 80% मैं तोड़ी फरमाइशा भी पूरी कर सा इंशाल्लाह बड़ा माहौल बन सके मेरे नाल मिजाज रलाओ के असि आला ज़र्फ शिकारी हैं क्या सब तोड़े सोचो क्या सा सोने ले भाई के असि आला ज़र्फ शिकारी हैं साडा आम शिकार ना समझी दाना जदन भी सटिया चुकिया नहीं एवे फोका वार ना समझी तैनू जान के कासम छोड़ दिता है साडा वार बेकार ना समझी असा बाज खिड़ाए हैं तलिया ते सानू चिड़िया मार ना समझी क्या बात असा बाज खिड़ाए हैं तलिया ते सानू चिड़िया मार ना समझी और दिल तू पुछ के सलाह मैनू दस जा रहना चाहना या रहना चाहना इतने तो सांगा कोई नहीं होता मकबूल अक दिल तो पूछ के सलाह मैनू दस चा रहना चाहना या रहना चाहना है कहीं वसदे घर दा मेहमान बन से या बाहर हुर पल दा छाना चाहना है मैं वो शिकारी नहीं कि शिकार करके पिंजरा डूबा मैं हाथ ते पक्की बहा के पूछना होना चाहना या पाना चाहना मेहरबानी सर मेहरबानी सर मैं हाथ ते पक्की बहा के पूछना होना चाहना है किधर घूम रहा उड़ना चाहना है या पाना चाहना है और एक मैं शेर याद आ गया दो दोस्त नाराज हैं उन्हां दी नाराजगी ना मुक्की पर हिक दे खान साहब साह पहुंच गए उन्हां दी नाराजगी ना मुक्की पर हिक दे साह मुक्के जिंदे साह मुक्के ना उन्दी मैयत चाह के उस गली चु टप्पे उस मैयत जो एक आवाज आई के रखो मैयत जनाब दी चौखट ते कोई दसो हार के तोड़ आ गई है मता हशर दे देवी ना टकरे ताई डर के तोड़ आ गए हैं ते तू ही कसम हूं निर्वार न कर चुप करके तोड़ आ गए हैं तेरी कसम आई जींदिया नहीं मिलना सी मर के तोड़ आ गए क्या बात क्या बात तेरी कसम आई जींदिया मेहरबानी कर तेरी कसम आई जींदिया नहीं मिलना सी मर के
असि मर के तोड़ आ गए हैं। और एक बंदा मरन लगा ना तो जो उन्हें सिरां भी बैठा है उन्होंने आंदा यार एक मेरी गल तो सुन आंदा दस आंदा यह जुसा की बड़ी गल आंदा यह जुसा की खेड कदा ताई रासी हो सकता है झट ताई हर जावे बहुत कफन दे विच मलबूस होवे रूह दूर दा पेंडा कर जावे पर मेरी मिन्नत ना कसम भुल वजे आए जदा नबस निमाणी ठर जावे तो मेरा हिको एक लगता है दुनिया ते ओनू ना दस्या है मत मर जावे ताड़ी यार ताड़ी मेरा हिको एक लगता है दुनिया ते ओनू ना दा मेहरबानी हाजी जफर मेरा हिको एक लगता है दुनिया ते ओनू ना दस्या है ओनू ना दस्या है मत मर जावे। और इत्थे इक छोटी जी नज़म तुहानू सुनावना चाहना कि हिक दे दी गल है पानी दी छाले रावी दे कंढे में दो पक्षू पत्ते बड़ी तवज्जो नाल गल सुनन वाली एक दिन की गल है पानी की छाले रावी के कंढे में दो पक्षू पत्ते मंजर रंगीन आई जोड़ा हसीन आई असली असील हन रज के शकील हन मेरे दिल नू भाणे मैं गत्ते चलाणे एक चुंज हलावे दुआ कोई ना खावे एक दिन वेखण गल कोई ना दसण ना बोले ना हसण जेड़ा परेशान आई मैं चोनू उड़ाया दूजे नू नब विच पिंजरे बहाया मोहब्बत जी बेउल्फत जी बेअकीदत जी बेकुर्बत जी बे जैनू छोड़ दिता है वो उड़ के ना जावे जैनू कैद कीता है पीवे ना खावे एक पिंजरे च फड़के दुआ बाहर होवे तौबा खुदा दी शाला इंज ना होवे ते तक ते तमाशा मैनू आया हासा मैं दिता दिलासा ते दोवें उड़ाए चा जो मैं दोवें छड़ दिता मेहरबानी बुजुर्गो जो मैं दोवें छड़ दिता ना ते तवज्जो करिया कि तकवा की आ गया जावण तो पहले मगर पर हला के फिजा च लहरा के कुछ गुनगुना के मैथू उच्चा हो के हवा च खलो के आखन परिंदे हो जालिम दरिंदे हो जाहिल शिकारी जुलम ना कमाए कर अजला तू बने हो ना जोड़े वजाए कर रखी याद कासिम मोहब्बत दे कैदी सजा कोई नहीं होंदे के कदमा च मरदन जुदा कोई नहीं क्या बात देर सारी माफ़ता ना शुक्रिया के कदमा च मरदन शाह साहब जुदा कोई नहीं होंदे और किसे ना एक पक्कू फाद लिया वे शिकारी लोग भी खड़ोते हो सर खान साहब किसे एक पक्कू कैद कर लिया पिंजरे दे विच उस बड़िया खुराक पाई बड़िया चौंक पाई उस खावना मन कोई नहीं जिस वेलो सुखिया ना भी तो खाँदा पीता भी कोई नहीं वो हेक देना बिल्कुल सुख सुख के तो दिल ही हो गया उस पिंजरे की कहानी छिड़किया क्या जा तेन आजाद किया उठ जा उस पक्कू जी गल की ना मैं तुम दसे ना पक्कुआ का जब पर हन उड़ान का शौक भी हा उदा फरियाद ना कर जदा पर हन उड़ान का शौक भी हा उदा फरियाद ना कर हुण दे के हुकम उडारियां दे मेरे पिछले डंग बर्बाद ना कर ते ना ओ कासिम सरफराज नवल ना ओ कासिम संग ना ओ सगवे रंग मैथे एडा जुलम सयाद ना कर ना खोल दरवाजे पिंजरे दे ना रब दई मैं आजाद ना कर ना खोल दरवाजे पिंजरे दे ना रब दई मैं आजाद ना कर और सही कि मैथे सांझ दा अजब सवाल होया है जेड़ा गोर अजमाई तामी देख बचदा है मैथे सांझ दा अजब सवाल होया तेरी सांझ कहिंदे कहिंदे नाले नासर खान तेरी सांझ कहिंदे कहिंदे नाले हाँ मैं इतने साई का अजब सवाल होया जेड़ा गोर अजमाई तावी हिक बचता है रख सामने जुफ्त दे कुलिये नू जोड़े जतन बनाई तावी हिक बचता है और आल जबरा इश्क दा सौखा नहीं जेड़ा जेन खपाई तावी हिक बचता है हैरान में कासिम हिक तू आ लख जरबा लाई तावी हिक बचता क्या बात क्या बात हैरान में कासिम हिक तू आ लख जरबा लाई तभी एक बचता है उस रोज दोस्ता क्या मैं तो इन्हें दसेना ये एक क्यों बचता है इन्हें हाल रियाजी दे बेच नहीं है उसका तो नहीं मैं दसेना उसका क्या उखा ना हो यार हिसाब दे बेच बस थोड़ी जी सोच बरीक चकार दे छड़ तक सीम दे रो ले नो जिमें ठीक कौन दाए वो में ठीक चकार ला जरबा मैनू हिजर दिया राजी कासम कुल वसनीक चकार और जमा कर तू सारिया संगता नो मैं जो वा दू वा तफरी क्या बात जमा कर तू सारिया संगता नो मैं जो वा दू वा मेहरबान सर मैं जो वा दू वा तफरी चकार और डिठा अजब तमाशा रिंदा दा खास तौर पर शे सरवर लगती नजर में कर रहे हैं कि डिठा अजब तमाशा रिंदा दा खुद बसम सजेंदियां वतना
ਕਿਸੇ ਮੁਖਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੀਵੈਂਦੇ ਆ ਵਤਣਾ ਔਰ ਚੋਖਾ ਕਾਸਮ ਜ਼ਰਫ ਵਸੀ ਰੱਖਦਾ ਏ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰੇਂਦੇ ਆ ਵਤਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਮ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਚ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰ ਫੜੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਮ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਚ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰ ਫੜੈਂਦੇ ਆ ਵਤਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਂ ਪੀਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਠਾ ਵਾਂਗ ਪੀਂਦੀ ਏ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਹਰ ਜਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਰਿੰਦ ਕਾਸਮ ਵੈਂਦਣ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਉੱਕਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਈ ਫਿਜ਼ਰ ਟੋਪੇਰਾ ਕਿ ਮਸਤ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਗੁਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤ ਮੌਸਮ ਹਵਾ ਵੀ ਮਸਤ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਗਹਿਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਮਸਤ ਆਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਫੁਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਰਿੰਦਾ ਗਿਆ ਖੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰ ਕੇ ਪੀਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਕੁਝ ਸੋਹਰੇ ਚੰਨ ਕੁਝ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਨ ਸਾਕੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਕੌਣ ਖੁਦ ਸਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਰਿੰਦ ਬੇਸਬਰ ਹੈ ਬਿਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਪੀਵਣ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਚਾਸਾਂ ਬਿਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਪੀਵਣ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਸਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਉਠੋ ਮੈਂ ਕਸ਼ੋ ਜਾਮੇ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਰ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਤੰਤੂ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿੰਦ ਬੇਸਬਰ ਹੋ ਸੀ ਇੰਜੇ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸੀ ਖਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਖੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਇਤਨੀ ਵਿਕਾਸਾਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਪੀ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਤਾ ਯਾਦ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅੰਗਲ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜੱਟ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਛਾੜੀ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੱਸਣ ਛੱਡਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਸ਼ਾੜੀ ਸੁਣਨ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਜਰਾ ਬਣਾ ਔਰ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਤਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਪਈ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਨੁਮਾ ਗੁੱਲੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕੇਤੀ ਕਾਸਮ ਰੁੱਖ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਜਰ ਰਹਿ ਬੋਏ ਤੇ ਲਗਦੇ ਲਹਿਰਾ 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 ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਅੱਧ ਚੂ ਗਏ ਕਈ ਗੁੱਟ ਚੂ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟ ਗਏ ਕਈ ਪਟੀ ਗਏ ਕਈ ਅੱਧ ਚੂ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਟ ਚੂ ਗਏ ਕਈ ਡੰਠੇ ਜੁਰਾ ਤਜ਼ਮਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਕ ਅੱਜ ਤਾਈ ਸ਼ਜਰ ਸਲਾਮਾ ਤੇ ਹਿੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜੱਖੜ ਬਚਾ ਹਿੱਕ ਅੱਜ ਤਾਈ ਸ਼ਜਰ ਸਲਾਮਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਹਿੱਕ ਅੱਜ ਤਾਈ ਸ਼ਜਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜੱਖੜ ਪਚਾ ਕੇ ਔਰ ਦੋ ਬੇਲੀ ਲੜੇ ਵਧੇ ਆਣਾ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੋ ਬੇਲੀ ਲੜੇ ਵਧੇ ਆਣ ਉਸ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਅੱਪਰਾਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਖਲੋਂਦੇ ਹੁਣ ਬਖਤ ਤੇ ਬੇਲੀ ਰਲ ਕੇ ਕਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਸਾਰ ਖਲੋਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਜੜਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਚਾਰ ਖਲੋਂਦੇ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਟੁਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਲੋਂਦੇ ਐ ਕਾਸਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਗਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਜਨਾਬ ਸੁਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਵੇਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਤਲਾ
इन्हां दी सारयां दी दोस्ती दे नाम एक शेर करेना, पर जिहड़ा मैं शेर सुनाऊंगा बतौर दोस्त, ते मेरा शेर याद भी रखना ते पल्ले भी बन लेना। दोस्तां आख्या भी नस खां दी फरमाइश है कि दोस्ती दे नाम च ही रहना चाहिए। तवज्जो चासा कि किसे दौर च रिंद पछताते हैं अनमोल पैमाना दे के, हुण साकी नहीं अरमान करेंदे बेदाम मैखाना दे के, और लज कासम बेली रखते हैं कदी जिंद नजराना दे के, खान साहब अज सजन मरेंदे सजना नूं हथुआ बयाना दे के। क्या बात है, क्या बात है, तालियां तालियां भाई, बड़ी मेहरबानी। किसे दोस्त इशारा कहता है कि थोड़ा दोबारा को कि किसे दौर च रिंद पछताते हैं अनमोल पैमाना दे के, हुण साकी नहीं अरमान करेंदे बेदाम मखाना दे के, और लज कासम बेली रखते हैं कदी जिंद नजराना दे के, कोई अज सजन मरेंदे सजना नूं हथुआ बयाना दे के। और अक्सर भाई सफर मैं एक दौड़े दे विच दसना चाहना कि जिहड़ी तकदीर होंदी है ना, यह तदबीर नाल टल नहीं सकदी। काफ़ी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं कि तकदीर कदी तदबीर नाल नहीं टलदी, ये मैं दौड़े दे विच दसना चाहना भाई सरफराज कि तकदीर दे हाथ तदबीर दा पर्दा है, हर आकल बशर मने सी, जेड़ा नहीं मंदा अजमा के वेखे ओ भी अंत इतराफ करे सी, मैं भी लख तदबीरां कीतियां हन जो कदी दुश्मन वार करे सी, ओए तां अज तई कासम सोचिया ना मैनू बेली मार छुड़े सी। जदों तकदीर भिड़ती है ना उदों बंदा दुश्मन तो तहफुज करांदा, लेकिन बेलियां तो मरी जांदा। क्यों शाह साहब भाई दाऊद शाह दी बड़ी जरा नवाजी ना उच्चा उच्चा जाके मैनू लै आंदा इत्थे बैठे सर, एक मैं दोस्तों की फरमाइश आई जिसल मैं आया उस टाइम मैंने वाक्य ला गया कि ठंडे चश्मे का मिठा पानी तिलक के पत्थरों को गाँव का रीठा है। जेड़े जेड़े दोस्त इन्हें सब सुनना चाहते हैं ताड़ी मरे सुखा के मन वो होया इस तरह साई पहाड़ी इलाके की लड़की आई, मैदानी इलाके का लड़का, उन्होंने आपस में मुहब्बत हो गई। इतों लड़का जो उन्होंने मिलने वास्ते गया ना तो उन्होंने मुलाकात का जो स्क्रैच आई सीन आई मंजर आई उन्हें अपने लफ्जों के राही तुम दसेना कि डलदी दीगर निमाशा तो पहले जर्द सूरज डुलांदा दिखा है, ठंडे चश्मे का मिठा पानी तिलक के पत्थरों को डुलांदा दिखा है। डलती दीगर यानी दीगर तो थोड़ा जहा पहले ना, जैसे दीगर शाम तो थोड़ा जहा पहले अपने सफर ही पढ़ाई कि डलती दीगर निमाशा तो पहले जर्द सूरज डुलांदा डिठा है, ठंडे चश्मे का मिठा पानी तिलक के पत्थरों तो डांदा डिठा है, और रंगीन मौसम हसीन मंजर पहाड़ उच्चे ते रस्ता तंगे, फलक की गोरी जी वीणी उत्ते काले बदलां दी पतली वंगे, शराबी जलवे पे रक्स कर दिन हर निजारे का वक्रा रंगे, हवा दरख्तों नूं जपियां पावे जब प्यारे निराला संगे, और नदी किनारे उड़ीक रख के मैं एक मुसाफिर नूं बांदा डिठा है। नदी किनारे उड़ीक रख के मैं एक मुसाफिर नूं बांधा डिठा है, ठंडे चश्मे का मिठा पानी तिलक के पत्थरों तो ढांदा डिठा है। और ढेर सारी ममता मार सरफराज नौ साहब के वो जाके नदी किनारे बह गया ना सत्ता मेरे शेर से तवज्जो करनी भाई जान, वो नदी किनारे बह गया के अगला मौसम की आई कि दीवानगी दी इस कशमकश पछावे अपने तू आप जगते सजन दे आवण दा हिड़का हासू, अखी मल मल के रावा तक्के पात्र खड़के तबाजी उठीवे, त्रिखे सावां नूं मसे डक्के घाटे रुखां दी ओट लाए के, ओनूं तक्के पर आप लुके ओनू तंके पर आप लुके। और अगला शेर वेखना है कि छन्ना चूरी दा हाथ चाके मैं चन पहाड़ी तू लांदा डिठा है, वो नदी किनारे बैठे वो पहाड़ी चूरी लेके आ गया। और अगला मंजर वेखना है और नौजवान सबका स्टूडेंट सबका खसूसन अगला बंद थोड़ी नजर है कि उन्होंने मुलाकात का मंजर किस तरह है कि छन्ना चूरी दा हाथ चाके मैं चन पहाड़ी तुलांदा डिठा है। और मकबूल लाके ते हुण मैं तुहानू पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, कहिंदा चौधार फुल्लां दी उच्ची वाड़ आई विचकार गाते ओ दोवें बह गए, इक दी झोली दूए दा सेहरा ही नैन नैना नूं तक दिंदा है। होर तुहाडे सीने दिल कोई नहीं जे दिल होंदा तां होर तां तालियां तालियां यार तालियां।
बाल चेहरे के डाय गए साल पूरे दी उदारा नहीं करते सारे थकेड़े लग गए साल पूरे दी उदारा ने मेहरबानी सैयद दाऊद शाह साहब जफर सिबरा साहब और जुमला कमेटी इंतजामिया मेला ढेर सारी मामतों का शुक्रिया कि साल पूरे दी चौथार फुला की उच्ची वाड़ आई विचकार गाते में बह गए एक बिजोली दुए दसे रही नैन नैना तकते रह गए और होठ होठ के नेड़े हो गए बाल चेहरे खुल के डह गए साल पूरे दी ओदा रानी करते सारे थकेड़े लाए गए पर सिख दिया बाहां की मुक्केल विच बदन रेशमी लहरांदा दिठा है ठड्डे चश्मे का मिठा पानी तिलक के पत्थर दुगांदा दिठा है और हुण ये ड्रामा खत्म होता पिया तो आखिरी सीन मैं तुहानूं विखावां कि निमाशा गलियां तो होश पर भज के उठे रसवाई दे डर तू वसेब अपने दा इल्म हाने टुर पशो दे खुदाई दे डर तू गल च पावा मिलन दे वादे कसमा चावे तनहाई दे डर तू हसण अपने मुकदरा उत्ते नाले रोवण जुदाई दे डर तू एक दा कसम घर हा नेड़े दूवा धक्के सफरां दे खांदा डिठा है ठड्डे चश्मे दा मिठा पानी तिले दे पत्थरां दा क्या बात है कसम क्या बात है यार क्या बात है मेहरबानी और एक दौड़ा तुहाडे वास्ते बिल्कुल डब्बा पैक दौड़ा है पठान गया ही हां सर तुहाडे सुनने वाले लतीफ भाई पहली बारी पठान गया लाहौर क्योंकि हुण मेरे ते कलियां विच लतीफ ये हासा मजाक ते होमड़ा ओनू ना पंजाबी सुर नहीं लगे वो सुर पूछिया लाहौरिया को रा ये रास्ता निजाम चुंगी को जाती है जिम्मे मुड़ो सानू बना सुखा हुकूम लाका ये रास्ता निजाम चुंगी को जाती है तो कुल और ही सके आहो अच्छा पठान से बल्ले कोई ना फिर आहो की होता दुए को पूछा लाका ये रास्ता निजाम चुंगी को जाती है सके आहो बड़ा परेशान है भाई आहो की है अखेर एक बंदे ने पैंट शर्ट पाई हो टाई बत्ती कोट पाए हो या पढ़े लिखे बंदो खान साहब को डाक लिया हो सकता है खान साहब हो सकता है भाई जान ये रास्ता भी जानते हो जाते उन्होंने दिया अच्छा पठान आके यार ये जो पहले आओ कहते थे ये आओ क्या होती है उस पेंट वाले बंदे आके खान साहब पढ़े लिखे लोग जिया कहते हैं और अनपढ़ लोग आहो कहते हैं पठान आके इसका मतलब है तू पढ़ा लिखा है आहो अच्छा ये तो हो गया जट हुण तुसीं मुड़ दौड़े ले तवज्जो करे सो के हुंदे वल ना लेख लकीर दे विच ता साडा मुल चौथार च कोई ना ਹੁੰਦੇ ਵਲ ਨਾ ਲੇਖ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਚੌਧਾਰ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਈਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਈ ਵੱਤਿਆ ਏਡਾ ਪਤ ਸਰਦਾਰ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਸਮ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਖਾ ਰਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿੰਦੀ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਣ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਕਤਾਰ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿੰਦੀ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਣ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ